आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश सहित रीवा में भी आज नर्सेज एसोसिएशन ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। आज एक दिन के अवकाश पर गए नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के पास 29 जून का दिन है, यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वह 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे। आपको बता दें कि नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा बीते कई दिनों से 12 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक धरने भी दिए गए। इसकी मांग पूरी न होने के कारण आज एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया है। आजीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नर्सों की हड़ताल के चलते भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ मरीजों के परिजन स्वयं अपने मरीजों की देखरेख करने में लगे हुए हैं। वहीं अत्यधिक आवश्यकता होने पर जूनियर डॉक्टर नर्सों का काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि यही स्थिति रही तो 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। आज के लिए सामूहिक अवकाश का उन्होंने आवेदन दिया है और कल के बाद परसों से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का एक नोटिस दिया था, तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो छात्र नर्सें हैं, स्टूडेंट नर्सें हैं, उनको उनसे बात की गई है और उनको समझाया गया है कि आप लोग हड़ताल पे नहीं जा सकते क्योंकि आपका कोई उसमें पहले से पूर्व नोटिस नहीं दी गई है, आपने अपने मुद्दे कोई ऐसे बताए नहीं थे जिसके आधार पर आप हड़ताल पर जाएँ। तो वह हमने उनको कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो अवैधानिक होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड में हैं अभी नर्सें, कुछ जो अभी नियुक्ति हुई है प्रोबेशन पीरियड में हैं, उनको भी ये कहा गया, उनमें से कुछ नर्सें आ गई हैं अभी काम पे हैं और भी नर्सें ने सूचना दी है कि हम अभी दोपहर में आ करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ सीनियर नर्सेस हैं जो कि हड़ताल पर नहीं गई हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, इस तरह से प्रयास चल रहा है काम करने का। कुछ असर तो पड़ा है मरीजों के लिए, लेकिन अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स स्वयं जो है वार्डों में, मैंने जा कर के एक एक वार्ड में देखा है, स्वयं वो मेडिसिन भी लगा रहे हैं मरीजों को, और जिससे कि व्यवस्था प्रभावित न हो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने इंटर्न्स उनको ड्यूटी पर लगाया गया है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हैं, सीनियर डॉक्टर राउंड पे हैं, तो इस तरह से वही लोग दवाइयाँ दे रहे हैं जो नर्सों का काम है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों का काम प्रभावित ना हो, इस तरह से व्यवस्था बनाई जाए। उनको लेकर के आज आप लोग सामूहिक अवकाश पर हैं, कब तक रहेगा? मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्री मांगे रखी है। 12 सूत्री मांगों में पहली हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश की नर्सों को भी सेकंड ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, यानी उच्चतम वेतनमान मिलना चाहिए। दूसरा है कि 2005 में जो सरकार ने पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी थी, उस पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करें। तीसरा, आदर्श भर्ती नियम 2018 सरकार ने जो बनाया है उससे हमारे जो नए नर्सों की नियुक्ति होती है उनमें उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनमें जो न्यूनतम वेतनमान दिया जाता है तो न्यूनतम वेतनमान का पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% दिया जाता है, जो बिल्कुल इस नियम को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। चौथा है कि जब मध्य प्रदेश में मेल नर्सों को शासन ट्रेनिंग दिलवाती है, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उनसे फीस लेती है, तो जब ये ट्रेंड होते हैं तो इनको शासन जॉब में क्यों नहीं रखती? तो जब भी नर्सों की भर्ती हो तो समानता का दर्जा मेल नर्सों को भी मिले। स्थानांतरण की नीति लागू होनी चाहिए। कोई रीवा से कोई भोपाल जाना चाहता है और भोपाल से कोई रीवा आना चाहता है तो स्थानांतरण नीति होनी चाहिए, जो अभी तक नर्सों के लिए नहीं बनाई गई है। हमारी जो मध्य प्रदेश की स्टूडेंट नर्सें हैं, जो छात्राएं जो ट्रेनिंग करती हैं, उन्हें 100 रुपये रोज की दर से उनको मेहनताना दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, जबकि हमारी मांग है कि कलेक्टर रेट कम से कम 18,000 रुपये पर मंथ उन्हें मिलना चाहिए। आप आगे क्या रणनीति रहेगी जैसे अभी अवकाश में फिर आपको मांगे? जी, 9 जून से हम लोगों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन किया है और आंदोलन भी किया है, किंतु काम नहीं बंद किया था। शासन ने अभी तक हमारी बातों को गौर नहीं किया है, इसलिए आज 28 तारीख को पूरी मध्य प्रदेश की नर्सें, जिसमें हमारी छात्र नर्सें भी शामिल हैं, उन्होंने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। कल 29 तारीख को सरकार के पास मौका है, अगर सरकार हमारी बातों को गौर करती है और मान जाती है तब तो ठीक है, वरना
30 तारीख से पूरे प्रदेश की नर्सें अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए चली जाएंगी।